हम जब भी एग्जीबिशंस या मेलों में जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि हम मन करता है बस इनको ख़रीद लो, और वो उसको यूज़ करके ऐसे दिखाते हैं कि कितना आसान हो। तो ये देखिए, ये ना चाकू मुझे हर बार दिखता था और मैं हमेशा सोचती थी मैं इस बार ज़रूर खरीदूंगी, और इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये चाकू ख़रीद लिया। और चलिए अब चलते हैं घर और इसको देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, सच में यूज़फुल है कि नहीं। तो हम ये दोनों चीज़ें घर लेके आ गए हैं और देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वैसे ये सब चीज़ें ना वहाँ वो इस तरह से काटते हैं ना कि आपको लगेगा बस ये भी ले लें वो भी ले लें और फटाफट सामान कट जाएगा, पर घर पे भी टेस्ट करके देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम आलू काट के देखेंगे। इसको अच्छे से मैंने धो के वोच लिया है और ये स्क्रू जो है इसमें डालेंगे हम इस तरह से, जो ये देखें। तो मैंने इसको साइड में डाला है जैसा कि उन्होंने बताया था, और इसको हमें ऊपर लगाना है। तो ये देखिए अभी तक तो काम कर रहा है, और अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है अच्छे से हाथ से, ये देखिए। और अरे काम तो कर रहा है, सही है, नाइस, हाथ बचा के, लेकिन उंगली के चिप्स ना बन जाए। बहुत बारीक निकल रहा है, कुछ तो ठीक आ रहे हैं और कुछ, ये देखिए। तो जहाँ पे हमने ये स्क्रू लगाया है ना वहाँ से ये देखिए कैसे छेद हो रहे हैं, मतलब पकौड़े वकौड़े बनाए तो चल जाएगा, वैसे प्रैक्टिस चाहिए नहीं उन लोगों के जैसी। और हाथ बचा के लास्ट में, और ये देखिए तो उसमें स्पाइरल भी निकले हैं कुछ, तो ठीक ठाक है। मतलब ये तो आलू के मुझे उतने बढ़िया नहीं मिले जैसे उन्होंने बनाए थे, तो मुझे लगता है चिप्स स्लाइसर से ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये देखिए कैसे कटे कटे आए हैं इसमें से, मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे किया था, इतने परफेक्ट आए थे उनके। चलिए कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है गाजर और इसके हम बनाएंगे स्पाइरल, इसको निकाल लेंगे पहले। और गाजर के उन्होंने स्पाइरल बनाए थे तो क्या किया था, बस इसको सेंटर में डाला था, और ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। तो ये स्क्रू ड्राइवर टाइप का है, मतलब ये देखिए आप अंदर इस तरह से घुमा के डालेंगे तो चला जा रहा है अंदर। ओह माय गॉड, और मैं तो ज़रा फोर्स लगा, आज ही तोड़ डालूंगी मैं इसको। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो स्क्रू ये ब्लेड लगाना है ना, तो उसके लिए ऊपर थोड़ी जगह चाहिए। तो ये देखिए कैरेट को इस तरह से फंसा लिया है हमने, और इस ब्लेड को हम वापस से लगा लेंगे। तो उन्होंने बोला था कि इससे जो है स्पाइरल निकलेगा, जैसे जब हम पोटैटो ट्विस्टर खाते हैं ना उस टाइप का। तो नीचे से पकड़ना है और बस ब्लेड को घुमाते जाना है। तो ये नीचे खिसक रहा है तो मैं पूरा ही खिसका देती हूँ उसको एक बार नीचे। तो ये देखिए नीचे पूरा खिसक गया है अपने आप ही, तो बेटर है कि आप नीचे ही खिसका लें उसको, और बस इसको तेज़ी से घुमाएंगे अब हम। तो मुझे लगता है इसमें हाथ बहुत बचाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बन गया है, अरे वाह ये तो सही बना है, नाइस। तो ये देखिए सैलड डेकोरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया बनाए, ये सही चीज़ है। अच्छा फिर उन्होंने काटी थी ये पत्ता गोभी, तो ये मैंने 1/4 पीस लिया है पत्ता गोभी का। तो उन्होंने इसको क्या किया था, पत्ता गोभी में ना ये स्क्रू जो है वो तिरछा डाला था, मतलब इस तरह से, और मैंने इसको ना 1/4 ही लिया है काट के जैसा कि उन्होंने लिया था। तो उसको पहले स्क्रू को अंदर कर देंगे, तो बस हम इसमें, और ये देखिए मैंने क्या किया ना, ऊपर वाले पत्ते के ऊपर निकाला है, अदरवाइज ये कटेगी नहीं। तो उसको घुमा देंगे बस हम, और इसको अब हम काट लेंगे। को पकड़ना पड़ेगा शायद थोड़ा सा ऊपर वाले पत्ते को। तो ये देखिए पत्ते जो हैं, कुछ पत्ते जो हैं बाहर ही हैं इससे, वो तो नहीं कट रहे हैं, बाकी खैर कट रहा है और बहुत बारीक कट रहा है वाकई, जैसे हम नूडल्स वगैरह में डालते हैं ना। तो ये देखिए बस इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है, पर ये देखिए जितना भी मैंने काटा है कितना बारीक है, एकदम छोटा छोटा कटा है, और इतना बारीक तो शायद हम चाकू से कभी नहीं काट सकते हैं। पर ये देखिए काफ़ी वेस्टेज भी है इसमें, इसको मुझे निकाल के चाकू से ही कट करना पड़ेगा बाद में, और ये रेज़र भी फंस गया है इसमें अच्छे से। और अब हम काटेंगे ये स्लाइस्ड अनियन। तो बस इसमें इन्होंने क्या किया था, यहाँ से कट लगा लिया था, और स्क्रू को इसमें डाल के जो हमारा कट है ना उसमें से निकालना है बेसिकली। ये मैंने निकाल दिया है और वापस हम इसको फंसा देंगे रेज़र को। तो ये वैसे ही अनियन तैयार होंगे जैसे कि हम स्लाइस्ड अनियन बनाते हैं ना, ये सही है, वाओ। तो ये तो बड़े सही निकले हैं, देखिए
कुछ सैलड में यूज़ करने हो या फिर किसी ग्रेवी में या फिर बिरयानी में डालते हैं ना ऐसे स्लाइस करके अनियन, ये वाकई काफ़ी फास्ट है और अनियन काटने में बहुत टाइम लगता है, इतना बारीक तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी। और अब हम फाइनली टेस्ट करेंगे अपना ये पीलर और इससे जो है वो नूडल्स जैसे निकलते हैं, तो पील करके देखते हैं आलू को कैसा होता है। तो काफ़ी मोटा मोटा छिलका निकल रहा है वैसे, पर ठीक है फिर भी यूज़ किया जा सकता है, नॉट बैड। तो अब इन सब्जियों का क्या करने वाले हैं, हम इनके बनेंगे नूडल्स या फ्राइड राइस। तो ये देखिए पीलर ठीक है और इससे बनते हैं नूडल्स जैसे कि उन्होंने दिखाया था। तो इसको अच्छे से पकड़ना है और बस इस तरह से इसको दबाना है। तो ये देखिए बड़े बढ़िया नूडल्स टाइप के निकल रहे हैं इससे। तो आप ये गाजर के लिए भी निकाल सकते हो इस तरह से, खीरे के, जुकीनी के, आलू के और बीटरूट के। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे प्याज वाकई बहुत जल्दी भी कट गया और बहुत इजी था काटना। और ये देखिए गाजर भी मुझे अच्छा लगा डेकोरेशन के लिए अगर कहीं ना खाना है ना। पर आलू सही से नहीं कटे, देखा आपने कितने बेकार, और पत्ता गोभी काटते समय बहुत वेस्टेज है। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, वहाँ जब ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना इतना मज़ा आता है देखने में, इतना मेस्मराइजिंग लगता है, लगता है देखते रहो और बस फटाक से खरीद के हम भी ऐसी सब सब्जी काट लेंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे घर में खरीदते रहते हैं और ऐसे ही फिर वो रखी रहती हैं, बस रखी रहती हैं ज़िंदगी भर। लेकिन शायद मैं इसको प्याज काटने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये जो पीलर है इसका छिलका ना बहुत ज़्यादा मोटा निकल रहा है, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी चीज़ों के लिए। इससे लच्छे जैसे गाजर के हैं नूडल्स में डालने के लिए, या फिर बीट रूट के डेकोरेशन के लिए और सैलड डेकोरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगी मुझे। पर इन दोनों में मुझे ना थोड़ा सेफ्टी का प्रॉब्लम भी लगा, क्योंकि सब्ज़ी काटते समय ना आपको नीचे से बहुत अच्छे से सब्ज़ी को होल्ड करना पड़ता है और ये रेज़र जो है बहुत शार्प है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान कम दोगे ना तो आपकी उंगली कट सकती है, तो बहुत ध्यान रखना होगा। ये पता नहीं आयरन का बना है कि एल्युमिनियम का बना है और उसके एजेस ना बहुत शार्प है, मतलब अगर यूज़ करना है तो बहुत संभाल के। तो आप भी क्या मेरी तरह इस तरह का कुछ कुछ जो ये किचन के टूल्स वूल्स होते हैं खरीदते रहते हो क्या? मुझे बताइएगा, आपने कुछ खरीदा और आपको बहुत ऐसा लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बाई थी और रीजनेबल था और आप डेली घर में यूज़ करते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग भी खरीदेंगे वो और फिर ट्राई भी करके देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।